नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो उड़ान को कोई रोक नहीं सकता, रास्तों को कोई बंद नहीं कर सकता। और ऐसा ही एक लक्ष्य हमारी आज की तेजस्विनी के सामने भी था। उनका लक्ष्य था उन बच्चों तक शिक्षा की अलख जगाना जो इससे महरूम हैं, वो बच्चे जो हजारों फीट की ऊंचाई पर कहीं दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर ना बिजली है, ना सड़क है, ना फोन है, ना कोई दूसरा साधन है। आखिर ऐसे बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को कैसे पहुँचाया जाए, ये ज्योति पहुँचाने का काम हमारी आज की तेजस्वी ने किया, जिनका नाम है सुजाता साहू। कभी कभी इंसान के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सुजाता साहू के साथ। ट्रैकिंग की शौकीन सुजाता जब एक दिन लद्दाख की सुदूर पहाड़ियों में ट्रैक पर थी तो उन्होंने दो महिला शिक्षिकाओं को डेढ़ दिन का सफर तय कर स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील और यूनिफॉर्म के लिए जाते देखा। बस वहीं से सुजाता ने ठान लिया कि इन विषम परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों और शिक्षकों के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। कई रुकावटों के बावजूद सुजाता ने लद्दाख की स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के लिए 17 फीट फाउंडेशन की स्थापना की। 17 फीट फाउंडेशन अब हर साल सैकड़ों शिक्षकों को पढ़ाने के नए तरीके सिखाने में मदद करती है। स्कूल में बच्चों के सीखने की क्षमता को सुधारने में वो लगातार प्रयासरत हैं। फाउंडेशन ने सफलतापूर्वक 100 पुस्तकालय वहां स्थापित किए हैं, 15 स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया है और 500 से भी ज्यादा शिक्षकों को ट्रेन किया है। इसके अलावा लाइब्रेरी प्रोग्राम में 300 से ज्यादा स्कूल शामिल हैं। लद्दाख के सुदूर बर्फीले क्षेत्र में स्कूली शिक्षा के लिए समर्पित और इस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सुजाता साहू हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं जिन्हें इस वर्ष का नारी शक्ति सम्मान राष्ट्रपति जी ने प्रदान किया है। सुजाता साहू उनका नाम है, बहुत बहुत स्वागत है सुजाता साहू। 17,000 फीट फाउंडेशन, ये आपकी फाउंडेशन का नाम है और आप बच्चों में शिक्षा की अलग जगा रही हैं। इतना डिफिकल्ट लक्ष्य क्यों लिया आपने अपने लिए? एक्चुअली अपने लिए नहीं है। 2010 में मैं पहली बार लद्दाख गई थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अगर आपको लद्दाख महसूस करना है तो अकेले जाओ। अच्छा। तो मैं 20 दिन लद्दाख गई और मुझे अंदाज नहीं था कि यहाँ की मुश्किलें क्या हैं। दूसरे ही दिन में मैंने चढ़ना शुरू कर दिया, हालांकि वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है तो एक्लेमेटाइज करने की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ पे जो मैं गई, मैं ट्रैक पे गई, वहाँ पे मैंने एक दो स्कूल्स देखे। उन एक स्कूल ऐसा था जिसमें सिर्फ 3 बच्चे थे। अच्छा। और एक टीचर। मैं बहुत हैरान हो गई। मैं तब यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी और उसी ट्रैक में बहुत बीमार भी पड़ी, इतनी बीमार, मुझे पल्मोनरी एडिमा हुआ और सांस की तकलीफ हुई मुझे। और इसी एक्सपीरियंस के बीच में मुझे इतना कुछ महसूस हुआ वहाँ पे, एक जिस विलेज में मैं जाके ठहरी थी उस दिन, वहाँ पे उस विलेज में सिर्फ एक ही घर है। उस घर में 5 लोग रहते हैं, ना कोई दुकान है, ना कोई प्राइवेट हेल्थ सेंटर है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। लेकिन जिस खुशी से लोग रहते थे, आई थिंक मेरे लिए वो एक स्टार्टिंग पॉइंट रहा। मैं बहुत ही हैरान हो गई। मैं वहाँ पे 20 दिन रही हूँ, मेरे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए वहाँ पे, बट एंड ऑफ दोस 20 डेज मैं जब घर वापस आई, मैंने कहा कि इन लोगों में इतनी उत्साह है पढ़ने की। अगर एक स्कूल में 3 बच्चे हैं और टीचर भी हैं, मतलब उनको तो मदद की ज़रूरत है। समथिंग नीड्स टू चेंज, इसीलिए मैंने शुरुआत किया। तो आप क्या पहले से ही ट्रैकिंग पे जाती रही थी, या मतलब जैसे आप कह रही हैं कि आप अकेली चल दी, तो ये क्या एक जुनून था जो आपके सर पे सवार था? शायद लोग बोलते तो हैं। एक्चुअली मैं बहुत आउटडोर पर्सन हूँ, आउटडोर एडवेंचर स्पोर्ट्स करती थी मैं, और फिर ट्रैकिंग का बहुत शौक है मुझे, मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक है। तो जब मैं अकेली चली गई, मेरे पेरेंट्स तो खैर तब बोल रहे थे अकेले कैसे जा रहे हो। ये लद्दाख को अकेले महसूस करना, तो खैर इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम फॉर मी। आई डोंट रिग्रेट इट। अभी मैं बोलूँगी, मुझे अगर मुझे अभी भी जब मैं जाती हूँ, आई प्रेफर कि मैं अकेले ही जाऊँ, क्योंकि जो रिमोट विलेजेस है वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं, इतना सुनसान है, इतनी पीसफुल जगह है, लोग इतने ही अच्छे हैं। सो मैं पहले से ही ऐसी रही हूँ, थोड़ी सी हटके कुछ करती थी। तो शायद उसी की वजह है कि आपने ये इतना डिफिकल्ट लक्ष्य अपने सामने रख लिया। तो फिर क्या हुआ, एक दिन आप चल पड़ी, काफ़ी सारे खच्चरों पर सामान लादा और आप निकल पड़ी उस सामान के साथ, वो सामान जो कि बच्चों के लिए था, उनके लिए किताबें और तमाम दूसरी सामान।
तो हुआ ये कि जो मैं जो उस 20 दिन के लिए थी लद्दाख में, मैंने 2-3 स्कूल्स देखे और मैं हैरान इससे हुई थी, जब वापस आई, मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एक्चुअली ऑलमोस्ट 1000 स्कूल हैं और एवरेज स्कूल स्ट्रेंथ जो है वहाँ की सिर्फ 20 या 25 स्टूडेंट्स, मतलब एक स्कूल में 25 बच्चे. और तो मैंने कहा ये 1000 स्कूल है किधर. ट्रैकिंग रूट्स में देखी जाइए तो शायद 20 या 30 स्कूल्स मिलेंगे. तो तब अनफॉर्चुनेटली 2-3 महीने, मेरे ट्रैक के 2-3 महीने बाद वहाँ पे फ्लड्स हुए थे. लद्दाख के जो फ्लड्स हुए थे अगस्त में, तो मुझे, मेरे लिए वो एक साइन सा था कि इट वाज लाइक समवन वाज टेलिंग मी कि तुमने कहा कुछ करना है, अभी फ्लड्स भी हो गए. तो तब मैं एक बहुत रिमोट स्कूल में मैं गई, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए थे फ्लड्स की. सो वहाँ पे जब हमने रिसर्च किया, लगा उस स्कूल में 100 बच्चे थे. एक बहुत ही रिमोट स्कूल है, विलेज नेम इज़ लिंकशित. तो वहाँ पता चला वहाँ पे 100 बच्चे हैं, वहाँ पे कुछ भी है नहीं. तो हमने कहा लेट अस फंड रेज. तो मैं तब स्कूल में पढ़ा रही थी यहाँ पे गुड़गांव में. तो हमने बहुत कुछ फंड रेज करके हमने सामान इकट्ठा किया. अभी सामान पहुँचाने के लिए तो रोड्स तो थे नहीं, तब जो है 3 दिन लगते थे उस विलेज में पहुँचने के लिए. मतलब ये आप समझे 8 या 9 घंटे ड्राइव करके चलो, गाड़ी को बीच रास्ते में छोड़ के, फिर 2 दिन लगते थे वहाँ पे पहुँचने में. अब सामान पहुँचाने के लिए तो देयर इज ओनली वन वे खच्चरों में. तो 20-25 खच्चर लेके गए, मैं और हमारे लद्दाखी दोस्त थे, मेरे हस्बैंड भी आए थे तब. तो इसमें से हम किताबें, खिलौने, स्टेशनरी आइटम्स, फर्नीचर तक हम लोग लेके गए. और ये 17,000 फीट शुरू करने से पहले हुआ था ये. और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे फ़ोन्स भी नहीं चलती हैं, तो वहाँ के विलेज गांव वालों को पता चल गया कि हम आ रहे हैं. अच्छा. और ऑब्वियसली हम फ़ोन करके बता तो नहीं सकते कि हम यहाँ पहुँच गए, लेने आओ. लेकिन वो लोग माउंटेन साइड पे एटलीस्ट 3 या 4 घंटे हमारे लिए वेट करते रहे. और सारे बच्चों ने एक लाइन लगा के वहाँ पे वेट कर रहे थे. और जब हम लोग पहुँचे, पता चला कि बच्चे 4 घंटे से वेट कर रहे हैं, तब मुझे लगा कि इतना वो जो है, देर इज सो मच ऑफ हंगर जो बोलते हैं वहाँ पे. सो हाँ, टू स्टडी. और लोग इतनी दूर पहुँचते नहीं, अगर पहुँचते तो सिर्फ ट्रैकिंग करने पहुँचते, लेकिन गाँव के बारे में नहीं सोचते. सो वो जो पास हमने जो क्रॉस किया था, वो पास था 17,000 फुट का. अच्छा. और उसके आगे जो 100 बच्चों की स्कूल जो हमने देखी, तो फिर हमने फिर ये फाउंडेशन का नाम 17,000 फुट फाउंडेशन रखा था. अभी भी वो लिंकशित मेरा सबसे फेवरेट विलेज है. अभी हम जाते हैं, हमें पिछले साल ही हालांकि हमने एक प्लेग्राउंड सेटअप किया. अच्छा. 12 दिन लगे हमें सेटअप करने में, हाथ से हम लोग पत्थर तोड़ रहे थे, गाँव वाले सारे हेल्प करने के लिए आए थे. बहुत ही सुंदर. तो आपने ये 17,000 फीट जो फाउंडेशन बनाया, एग्जैक्टली क्या क्या काम अब आप लद्दाख के उन स्कूली बच्चों के लिए करते हैं जो शिक्षा तो पाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए बुनियादी सुविधाओं का वहाँ अभाव है? बिल्कुल सही कहा आपने. स्कूल्स हैं, टीचर्स भी हैं, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट भी है, बहुत कुछ करती है. लेकिन इतने सारे स्कूलों में पहुँचना, सुविधाएँ पहुँचाना, किताबें, टीचर्स को ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल है. वहाँ पे टेम्परेचर्स जो है -40, -60 तक भी पहुँच चुके हैं. और टीचर्स पढ़ाते हैं लेकिन उनके पास जो है इतनी एक्सपोजर नहीं है. उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, लेकिन ये गाँव वाले जो बच्चे हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं सस्टेनेंस फार्मर्स, उनके पास कोई वो नहीं है. तो एक चीज़ ये जो है, हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है नहीं. उनमें हंगर है पढ़ने की लेकिन सुविधाएं नहीं है. तो इसी सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए जो जो चाहिए हम वही करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, हम लोग टीचर्स की ट्रेनिंग कराते हैं. हमने अभी 100 स्कूलों में लाइब्रेरी सेटअप किया है. अभी 100 और स्कूलों में इसी साल हम सेटअप करेंगे कारगिल साइड में. लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट का लेह डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा कारगिल डिस्ट्रिक्ट. सो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में हमने भी 200 स्कूल अडॉप्ट किए हैं. तो लाइब्रेरी सेटअप किए और हर 2 महीने हम लोग विजिट करते हैं. हाँ, मैं यही जानना चाह रही थी कि अब साल में कितने चक्कर आप लद्दाख के लगाते हैं? मेरे खुद के चक्कर तो एटलीस्ट 5-6 चक्कर तो कट जाते हैं. मैं और मेरे, अभी मेरे हस्बैंड भी जुड़ गए मेरे साथ, तो हम दोनों के बीच में तो ऑल्टरनेट करके कोई ना कोई तो हमेशा वहीं रहता है. अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप तो टेकी थी, आप US में आप जॉब करती थी, कॉर्पोरेट के साथ आप काम करती थी, फिर वहाँ से आप भारत चली आई, फिर भारत में आके आपने कुछ टीचिंग भी की. हाँ जी. है ना. और फिर आपने कहा ये सब कुछ नहीं, मैं तो जाऊँगी लद्दाख. तो ये कोई इतना आसान कमिटमेंट नहीं है जो आपने अपने आप से कर लिया. क्या इसके पीछे क्या जज्बा था और क्या आसपास के लोगों ने कहा नहीं कि ये पागलपन है?
वो तो बिल्कुल कहा, आई थिंक शायद अब भी कह रहे हैं कि ये क्या पागलपन है। देखिए टेकी तो रही हूँ, कॉर्पोरेट में तो बहुत मज़ा भी आया है, लेकिन मैं US में 9 साल थी, लेकिन मैं पहले से ये था कि मैं वापस भारत आऊँगी, ये तो घर है हमारे लिए। लेकिन जब US में रहने के बाद जब वापस आते हैं ना, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है थोड़ी ज़्यादा स्टार्कली नज़र आती हैं। पहले शायद हम लोग वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, जब मैं वापस आई बहुत सी चीज़ें खटकने लगी मुझे। एंड आई रिमेंबर मैं बॉम्बे में थी, वहाँ पे बॉम्बे में फ्लड्स हुए थे अप्रैल में, वहाँ भी बहुत बुरा लगा मुझे। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अगर हम लोग नहीं कुछ करेंगे दैट इट डजंट मेक सेंस, सो हमें नहीं करना पड़ेगा। टेक तो कॉर्पोरेट तो मैंने छोड़ ही दिया एट दैट पॉइंट। आई सेड जो भी मैंने कॉर्पोरेट में सीखा है कहीं और तो यूज़ होगा। मेरा पैशन तो हमेशा चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन एंड आउटडोर्स ऑलवेज। सो मैंने बच्चों के साथ काम करना शुरू कर दिया। मैं बच्चों को पहले ट्रैकिंग ले जाती थी बाहर उत्तराखंड में वगैरह, एंड फिर मैं पढ़ाने लग गई मैथ्स और कंप्यूटर साइंस क्योंकि वो मेरा फील्ड है। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी यहीं पे श्री राम स्कूल में, तब मुझे लगा कि ये जो बच्चे हैं बहुत अच्छे फैमिली से आते हैं, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। तब मैं अपने आप को बहुत क्वेश्चन करने लगी कि एम आई मेकिंग अ डिफरेंस, कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं हैं। उसके बाद ये ट्रैक हुआ एंड आई थिंक इट जस्ट। तो आपके पेरेंट्स ने नहीं रोका या नहीं कहा कि ये कैसा कैसी चीज़ में आप जा रहे हो जिसमें ना तो फ्यूचर सिक्योर्ड है ना किसी भी तरीके से, एक ऐसा फ्यूचर नहीं है जिसको कोई माँ बाप सोचते हैं कि उनके बच्चे करें? हाँ सोचा तो है, शायद अब भी सोचते होंगे लेकिन माँ बाप तो भी बहुत दे वेरी प्राउड कि हम कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल तो था सबके लिए टू इवन डाइजेस्ट कि इतनी दूर जाके मैं सब करूँगी। आई गेस उनको ये देखना था कि एम आई रियली क्या बोलते हैं कन्विंस कि मुझे करना है, मुझ में स्टेइंग पावर है कि नहीं। अभी 4 साल हो गए अब भी हम कर रहे हैं, अभी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं हमारे प्रोग्राम्स हैं। पेरेंट्स को थोड़ी सी आई थिंक उनको तो थोड़ा डर भी रहा होगा क्योंकि बहुत दूर जगह है। मैं बीमार भी पड़ी हूँ 2-3 बार वहाँ पे, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए मेरे वहाँ पे, बट थैंकफुली मेरे हस्बैंड भी हैं इसमें और वो भी मेरे तरह थोड़े पागल हैं, सो आई गेस इट हेल्प्स। जी मेरे ख्याल से कई बार ये पागलपन होना जरूरी भी होता बहुत है, जरूरी है। पागलपन ना हो आप कुछ कर नहीं सकते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ आज सुजाता साहू हैं हमारी तेजस्विनी, उनसे बात जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सुजाता साहू हैं जिन्होंने मन में ये ठान रखा है कि लद्दाख के बच्चों को मैंने शिक्षा की अलग जगाने के लिए जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगी। सुजाता ये बताइए कि आपने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें आप टूरिस्ट को जोड़ रही हैं जो वॉलंटियर कर सकते हैं आपके साथ जब वो वहाँ जाएँ ट्रैकिंग पे या जैसे भी, तो वो उन बच्चों को शिक्षा मुहैया करा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ये क्या आपका नया जो आपने शुरू किया कॉन्सेप्ट, ये क्या है? एक्चुअली ये टूरिज्म नहीं है, वॉलंटियरिंग ही है। लेकिन देखिए हमारा जो फाउंडेशन है इट्स ए नॉन प्रॉफिट और हमें फंडिंग की ज़रूरत रहती है। जब हमने ये शुरू किया था मुझे लगा लोगों को बताएं कैसे कि इतनी दूर दूर इतने सारे विलेजेस है, अभी 1000 स्कूल है उसमें से एटलीस्ट 500-600 हैमलेट्स तो इतने दूर है किसी ने सुने भी नहीं होंगे। और जो टूरिस्ट जो लद्दाख जाते हैं दे ओनली गो टू 10% ऑफ द विलेजेस। तो हमने कहा लोगों को कैसे जोड़े इनमें, और लोग अगर जुड़ जाएंगे तो फिर हमारा मैसेज स्प्रेड होगा और भी लोग हमें हमारी मदद करेंगे। मैं 2010 में मेरे ही स्कूल के 20 बच्चों को लद्दाख में लेके गई थी जब फ्लड्स हुए थे, और मैंने तब देखा था कि आउटसाइडर्स कितना हेल्प कर सकते हैं और उनके ऊपर भी कितना प्रभाव पड़ा है इस एक्सपीरियंस से। तो हमने कहा क्यों ना इन दोनों को जोड़ दें, फिर हमारे भी लोग
ज़्यादा हो जाएंगे। मेरी स्टाफ है अभी, हमें हमारे दो ऑफिसेस हैं लेह और कारगिल में, तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप लद्दाख आइएगा ज़रूर, लेकिन लद्दाख में वो पैंगोंग लेक और नुब्रा वैली से आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सुंदर जगह है, और अगर आप हमारे साथ आ जाएंगे हम आपको ट्रेन करेंगे, हमारे ही प्रोग्राम्स कंडक्ट करने में हमारी मदद कीजिएगा, और उसी से बाकी दूसरे हैमलेट्स दूसरे विलेजेस को भी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, थोड़ी सी एक्सपोजर। लोग जाते हैं हैमलेट्स में रहने के लिए, होम स्टेज में, अब होम स्टेज से उनको पैसा मिलता है क्योंकि लद्दाख में टूरिज्म के सिवा और कुछ है नहीं। सो ये भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमारे काम में जुड़ जाएँ और बाकी विलेजेस को एक्सपोजर मिले। पिछले 2-2.5 साल में आई थिंक 200 लोग आए हैं, ज़्यादातर इंडियंस रहे हैं एंड वेरी कमिटेड पीपल, और वो लोग वापस जाके दे स्प्रेड द वर्ड, सो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है जी। इट्स अ ग्रेट वे। अच्छा सुजाता, ये बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उन बच्चों के साथ जितने दूर दराज बैठे हैं, जिन्होंने शायद सड़क नहीं देखी, फ़ोन नहीं देखा, गाड़ियाँ नहीं देखी, शायद बाहर की दुनिया से उनका कोई रब्ता वास्ता रहा नहीं, कैसे वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को और कैसे आप उनसे जुड़ते हैं? इतनी कहानियाँ हैं, मैं कहाँ शुरू करूँ? सुना दीजिए। एक मैं विलेज में गई थी बोगदांग, वहाँ पे ज़्यादातर नुब्रा साइड में है लद्दाख में, वहाँ पे जो है आउटसाइड टीवी नहीं है, कुछ भी नहीं, अलाउड भी नहीं, उनके कल्चर में नहीं है। सो एक तो जब हम विलेजेस में जाते हैं, मोर ऑफ इन द नॉट ये जो बच्चे हैं पहली बार आउटसाइडर्स को देख रहे हैं, तो उनमें जो एक्साइटमेंट रहता है वो दूर से देखते, अरे एक गाड़ी है, आप मानेंगे नहीं, लद्दाख में रिमोट एरियाज में कुछ भी नहीं दिखता है, देर आर नो ट्रीज, कुछ भी नहीं है, तो एक गाड़ी आएगी तो बिल्कुल स्टार्क दिखती है वहाँ पे। तो हमारी जब गाड़ी आती है वो देखते, अभी तो 17,000 फीट का नाम तो खैर पहचान लेते हैं। तो ये विलेज में जब हम लोग पहुँचे थे, सब लोग आके देख रहे थे तुम लोग क्या दे रहे हो। पहली बात तो हम जब हमने किताबें दी थी, सब लोगों ने, हमने लाइब्रेरी सेटअप की है, तो जब किताबें दे रहे थे बच्चे किताबों को छूकर देख पूछ रहे थे आप इसको फ्री में दे रहे हो, हम क्या करेंगे इसके साथ। तो वहाँ पे जो है, जैसे मैंने कहा टीवी की टीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं, वी वांटेड टू सिंग सम सॉन्ग्स वगैरह, इन बच्चों को कुछ नहीं आता था। वहाँ पे एक टीचर थी, उनके मोबाइल में वो जो गाना नहीं है भूमरो भूमरो श्याम रंग भूमरो, तो उनके मोबाइल में ये रिकॉर्डेड था, इन बच्चों ने कभी देखी नहीं थी। लेकिन उस विलेज में सारे बच्चों को ये एक ही गाना आता है भूमरो भूमरो श्याम रंग भूमरो, और जब ये बच्चे बिल्कुल शाई नहीं है, बिल्कुल भी शाई नहीं है, आप उनको बोलिएगा यू नो कुछ लद्दाखी में रिसाइट करो, लद्दाखी का डांस दिखा दो, कर देंगे, बहुत ही अच्छे हैं एंड दे आर वेरी वेलकमिंग, फैमिलीज भी इतनी वेलकमिंग है। अच्छा सुजाता, ये बताइए कि ये काम बिना पैसे के नहीं हो सकता, इसके लिए आपको रिसोर्स तो जुटाना पड़ता है, तो हाउ डू यू सस्टेन योरसेल्फ, कैसे आप इसको चला रही हैं, आगे कर रही हैं, उसमें क्या कुछ मुश्किलात सामने आ रही हैं? आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किलात तो यही है, क्योंकि देखिए आजकल बहुत सारे लोग जो अभी CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कॉर्पोरेट्स के ऊपर बहुत कुछ ये आ गया है दैट दे हैव टू स्पेंड 2%, लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट्स जो हैं दे स्पेंड इन द एरिया जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं। हमारे जैसे जो नॉन प्रॉफिट्स हैं जो बहुत रिमोट एरियाज़ में काम करती हैं, उनके लिए विजिबिलिटी नहीं है, मतलब उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, तो मुश्किल ज़रूर है। हम लोग कॉर्पोरेट्स के पास जाते हैं कि प्लीज़ मदद कीजिए, हालांकि बहुत सारों ने मदद भी किया है, लेकिन हमारा मेरा ड्रीम ये है कि मैं लद्दाख से आगे जो माउंटेनस रीजन्स हैं और भी हैं, सिर्फ लद्दाख नहीं है, और ये जो इग्नोर्ड है मैं वहाँ भी पहुँचूँ, और उसके लिए तो हाँ पैसों की बहुत ज़रूरत है। सो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरा यही है, इसीलिए मैं जाती हूँ कॉर्पोरेट्स में और कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जहाँ मैं बात कर सकती हूँ लद्दाख के बारे में मैं बात करूँगी, ताकि लोगों को पता चले और आए, और वॉलंटियरिज्म हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, लोग जुड़ भी जाते हैं और थोड़ा कैश फ्लो भी हो जाता है हमारा। सो बट दैट्स अ स्ट्रगल आई थिंक सारे नॉन प्रॉफिट्स के लिए। अच्छा एक बात है, ये जो आपने इतना मुश्किल ध्येय आपके सामने रखा है और जिंदगी का मकसद उसे बनाया, ये बताइए कि आपके अपने बच्चे, क्योंकि इस काम में तो बहुत टाइम जाता है और आप कह रही हैं कि आपके पति भी इसमें सहयोग आपके साथ कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज होता है? उनको लगता नहीं है कि लद्दाख के बच्चों के बारे में तो सोच रही हैं, हमारे बारे में नहीं सोच रही? सो स्वीट, आई डोंट नो, शायद मेरे बच्चों को अगर लाती तो शायद उन्हीं से पूछ लेते।
बच्चों को जब मैंने शुरू किया था, मेरा सबसे छोटा तो काफ़ी छोटा था, आई डोंट नो हाउ मच ही अंडरस्टूड, बट अभी उनको लग रहा है कि जब हम लोग मिलते हैं, कि सर 6 महीने तो मैं बाहर ही रहती हूँ, और उनको महसूस होता है एब्सेंस एक पेरेंट का. ऐसे होता है ना, अभी वो लोग बहुत खुद ही सेल्फ रिलायंट हो गए, अपने आप काफ़ी कुछ चीज़ें चलाते हैं सारे बच्चे, दे नो हाउ टू कुक एंड पैक देयर डब्बाज एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आज जैसे मेरी बेटी का 10th बोर्ड रिजल्ट्स आया है, वी एम नॉट देयर, बट ये जो है, मैं बच्चों को भी ले जाती हूँ लद्दाख, काफ़ी बार जा चुके हैं, और हमारे में मेरे 2 बच्चों ने तो वॉलंटियर भी किया है. सबसे बड़ी बेटी ने तो हमारे डिज़ाइन भी की थी, हमारे जो रीडिंग प्रोग्राम का ब्रोशर है, सो मदद भी ज़रूर करते हैं. और क्योंकि उन लोगों ने विजिट किया हुआ है, मेरे बेटे ने तो ऑलमोस्ट 4 दिन वो अकेले घूमा स्कूल्स ढूंढने के लिए. हमें वैसे 7 महीने लगे स्कूल्स ढूंढने में. जी, मैं इसी बात पे आने चाह रही थी कि आपने मैपिंग भी तो किया है सारे स्कूलों का, और अब कोई भी अगर देखना चाहे तो वेबसाइट पे देख सकता है कि कहाँ कहाँ पर ये स्कूल है. ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो आपने किया है. हाँ जी, पहले जब ने शुरू किया था, हमने कहा ये 1000 स्कूल है किधर, तो गवर्नमेंट की लिस्ट में था, बट वी सेड जब तक हम नहीं देखेंगे हमें खुद पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या है और हम मदद क्या कर सकते हैं. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम जाके विजिट करें. तो पहले हमने लेह डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया, 3.5 महीने लगे, और आप नहीं मानेंगे कई ऐसे विलेजेस थे जहाँ पे पूछ के जाना पड़ा. हम किससे पूछते थे कि ये विलेज किधर, बोलते बस और 3 घंटे ऊपर चलो शायद मिल जाएगा. अब लद्दाखी के लिए 3 घंटे, हमारे लिए शायद 6 घंटे. तो मेरी टीम तो फुल्ली लद्दाखी है, सारे वहीं उन्हीं रिमोट विलेजेस के हैं, और ये मैं नहीं चला पाती अगर वो मेरी टीम नहीं होती. सबसे ज़्यादा ट्रैवल वही करते हैं, महीने के 20-20 दिन बाहर रहते हैं. सबसे ज़्यादा आई थिंक उनको बोलना चाहिए. मैं यहाँ बैठती हूँ, फंडिंग करती हूँ, वहाँ जाती हूँ, बट टीम वर्क है, टीम वर्क. लेकिन एक बार बताइए, लद्दाख के बच्चों को तो आप ये शिक्षा बांट रही है, लेकिन और भी तो रीजन्स हैं भारतवर्ष में, क्या उन तक, उन बच्चों तक भी आप पहुंचना चाहते हैं जहां वाकई साधन उतने नहीं हैं? देखिए, एक चीज़ है, मैंने एक ये एक चीज़ है ना, अब हमारा विजन बहुत ही ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो नहीं अचीव होगा. तो भारत में जो है, बहुत सारे ऐसे NGOs हैं, मेरे बहुत कोलीग्स हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमने जो रीजन हमने चुना है, माउंटेनस रीजन्स, हिमालयन माउंटेनिंग, वहाँ पे कोई नहीं काम कर रहा था. तो मेरा बिल्कुल नीच रहेगा हिमालयन माउंटेन रीजन्स. तो यहाँ से सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे बहुत सारे टाइनी हैमलेट्स हैं जिनको हमारी ज़रूरत है. हम वहाँ ज़रूर जाएंगे, वहाँ ज़रूर जाएंगे. बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन मेरे बहुत कोलीग्स हैं, हम लोग मिलते हैं, वी शेयर आइडियाज़, एंड आई एम होपिंग कि सब साथ मिलके वी विल मेक दिस मच बेटर प्लेस. जी, तो आप आयरन लेडी ऑफ लद्दाख कहलाती हैं. 8000 बच्चों की आप टीचिंग दे रही हैं, वो भी आपके बच्चे हैं. क्या आप ज़िंदगी में और अचीव करना है, किस तरफ जाना है? बहुत कुछ अचीव करना है, ये तो शुरुआत ही किया है. अभी 4 साल ही हुए, आप दे पता नहीं है, तो ड्रीम्स हैं बहुत. एक तो मैंने कहा ज्योग्राफिकली मुझे एक्सपैंड ज़रूर करना है, और मेरे को प्रॉब्लम्स दिखते हैं जहाँ पे मैं मदद कर सकती हूँ. मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जिससे आई फील कि मैं शेयर करके आई कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. आई डोंट बिलीव कि आई शुड वेट टिल आई एम 60 or 70 years old टू स्टार्ट. सो मैंने शुरू कर दिया, आई एम होपिंग कि बहुत कुछ कर पाऊंगी मैं. जी, हमें उम्मीद है कि आपने जो अपने लक्ष्य तय किए हैं वो ज़रूर आप पूरा करेंगे. आखिरकार 8000 बच्चों की दुआएं आपके साथ हैं, पूरे देश की दुआएं आपके साथ हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता साहू हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. तो ये थी आयरन लेडी ऑफ लद्दाख सुजाता साहू, हमारी आज की तेजस्विनी. अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त. नमस्कार.